सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 13 कृष्ण लीला, पेज नंबर 101। आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के चैप्टर को समझिएगा, ओके। कविता के बारे में पढ़ लेते हैं, कृष्ण लीला के बारे में क्या संदेश दिया गया है। प्रस्तुत कविता में हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल माने जाने वाले भक्ति काल के दो महान संत कवियों सूरदास और मीराबाई के पद संकलित किए हैं। दोनों कृष्ण के अनन्य उपासक थे, भक्त थे। सूरदास के प्रस्तुत पद में कृष्ण की बाल लीला वर्णित है, जबकि मीराबाई ने भक्त वत्सल कृष्ण का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो चलिए चैप्टर को सबसे पहले अच्छे से पढ़ते हैं, आप लोग भी रिपीट करिएगा, ओके। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो। जिए तेरे कछु भेद उपजी हैं, जान परायो जायो। यह ले अपनी लकुटियों कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लय उरकंठ लगायो। सूरदास जी बहुत ही सुंदर पंक्तियों में श्री कृष्ण का बाल लीला का वर्णन यहाँ पर किए हैं। क्या कहते हैं, चलिए कविता के माध्यम से देखते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पर क्या किए हैं, यशोदा को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि मैंने मक्खन नहीं खाया है, मैंने मक्खन नहीं खाया है, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए अनेक प्रकार से जो है कृष्ण जो है तर्क देते हैं। कहते हैं कि हे मैया, मैंने मक्खन नहीं खाया। भोर भय गयन के पाछे, भोर भय, मैं तो सुबह होते ही कहाँ चला जाता हूँ, गैयन के पाछे, गैयों को चराने के लिए, गैया को चराने के लिए गायों के पीछे मुझे आप भेज देती हो और मधुबन मोही पठायो। कहाँ जो है गैया चराने के लिए जो है मधुबन में मैं जो है चला जाता हूँ। मधुबन मीन्स होता है वृंदावन, ठीक है, तो मैं वृंदावन चला जाता हूँ और जो है चार पहर बंसी बट भटक्यो। चार पहर का अर्थ क्या होता है, जो चार पहर सुबह से लेके शाम तक का भटकने के बाद भटक्यो, सुबह से लेके शाम तक का भटकने के बाद सांझ परे घर आयो, मैं शाम के समय जो है घर वापस आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। मैं बालक बहियन को छोटो ही माँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा जो है क्या है कि मैं जो मेरी बाहें हैं वो भी क्या है छोटी है। छीको के ही विधि पायो, अच्छा मैं तो बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी है, तो जो मक्खन रखने का जो रहता है, जिसमें मक्खन रखते हैं, उस मटके को जिसमें बांधा जाता है रस्सी में, उसको बोलते हैं छीके, है ना, क्या बोलते हैं छीके। तो उस स्थान तक में जो मेरी हाथ है, मैं हाथ, मेरा तो हाथ छोटा है ना, तो मैं उस हाथ से, छोटे हाथ से उतने दूर तक का जो छीके बंधी हुई है ना, उसमें मक्खन रखा हुआ है, उसमें मैं कैसे पहुँच सकता है भला मेरा हाथ। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, माँ आप नहीं समझ रहे हो क्या, ये सब जितने सखा है ना मेरे से बैर रखते हैं। और बरबस मुख लपटायो, क्या करते, बरबस मीन्स जबरदस्ती है ना, एक प्रकार से कहा जाए तो जबरदस्ती जो है मेरे मुख में मक्खन को लिपटा दिए हैं, लगा दिए हैं। जे तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। हे माँ, इन लोग तो बस मुझे डांट खिलाना चाहते हैं ना, इसीलिए सब कुछ जो है किए हैं। और जी तेरे कछु भेद उपजी हैं, कहते हैं माँ तू ना मन की बड़ी भोली है, इनकी बातों में आ गई,
तेरे दिल में जरूर कोई भेद है, उपजी है, भेद उपजी है हे माँ, जरूर आपके दिल में जो है कुछ ना कुछ जो है भेद है, जो मुझे पराया समझ करके जाने परायो जायो, मुझे पराया समझ करके मुझ पर संदेह कर रही हो। इस प्रकार से जो है कृष्ण जो है अपनी माँ यशोदा से जो है इस प्रकार से कहते हैं, क्या कि ऐसे जब कहते हैं तब क्या होता है कि उनके मन में जो है माँ के मन में बहुत दर्द होता है, क्या कि जी तेरे कछु भेद उपजी है हे माँ, जरूर तूने मुझे पराया समझकर मुझे संदेह किया है। यहाँ पर जो है सुरदास जी कितना मस्त जो है जो शब्द के एक प्रकार से शब्द के द्वारा ऐसा जो भाव उपज किए हैं, क्रिएट किए हैं कि जो है कि क्या बोल रहे हैं कृष्ण जी कि जरूर कुछ मन में भेद है, मुझे पराया जान रहे हो ना माँ। इसका तात्पर्य यह है कि आप तो मुझे पालन पोषण की हो ना माँ, मुझे देवकी का पुत्र हो ना मैं, ऐसा जो भाव उठ रहा था इसलिए क्या हो गया वहाँ पर जो यशोदा है वह क्या करती है ये बहुत सोच में पड़ जाती है। एक क्षण के लिए बहुत ही वो तो सोच रही थी कि मैं इनको दंड तरीका से देने वाली हूँ, लेकिन क्या है जैसे ही ये शब्द जो है कृष्ण भगवान छोड़ते हैं तो सबके मन में क्या हो जाता है, उनके मन में क्या हो जाता है, यशोदा के मन में बहुत ही जो है वाकई में ये इतना छोटा सा है लेकिन बात के जाल में कैसे फंसा लिया, वो सोच में डूब जाती है। और फिर कृष्ण उसके बाद क्या कहते हैं कि यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, ये ले अपनी लाठी और कंबल ले ले, तूने मुझे बहुत नाच नचा लिए हैं। सुरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने अपनी बातों से माता के मन को मोहित कर दिया, वह दंड के बजाय बदले जो है उसके जगह में उसके मन में प्रेम उमड़ आया और उन्होंने माता यशोदा ने मुस्कुरा करके श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को क्या कर दिए, उस नन्हे रूप को गले से लगा लिया। सुरदास तब बिहसे यशोदा लय उरकंठ लगायो, और सुरदास जी कहते हैं कुछ समय यशोदा ने गुस्सा छोड़ करके क्या कर लिए, मुस्कुरा करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण को गले से लगा लेते हैं। इस प्रकार से जो है भाव स्थापित किए। तो ये तो रहा बच्चों ये कविता का अर्थ। नेक्स्ट कविता के बारे में पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर 102। मीराबाई का कविता है तो मीराबाई की कविता को देख लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन इस मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल, अधर सुधार रस मुरली राजती उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर सवद रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। मीराबाई क्या कहती है कि बसो मेरी नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल आप मेरे नेत्रों में बस जाओ, मोहनी मूरत सांवरी आप विशाल नेत्रों वाले नंदलाल जी, आपकी सूरत क्या है मोहिनी है, मनमोहक है, जो है बरबस ही लोगों के मन को मोह लेती है, नैना बने विशाल, विशाल नेत्र वाले हैं नंदलाल जी, क्या है आपकी जो सूरत है वो बहुत ही क्या है मनमोहक है, सावली है, मुरली को धारण करने वाले और बैजंती माला धारण किए हुए सुशोभित हो रहे हैं। कमर में क्या है क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, कमर में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हैं, नुपुर सपद रसाल और उनकी पायल मधुर ध्वनि कर रही है, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। मीरा के प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं और भक्त बछल गोपाल हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये मीराबाई के जो भजन है उसको आप लोगों ने समझा सुना। अब देख लेते हैं कवि परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की सगुण धारा में कृष्ण भक्ति एवं कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। ये स्वामी वल्लभाचार्य के प्रिय शिष्य एवं 8 प्रमुख भक्त कवियों में पहले भक्त कवि हैं। इन्होंने श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव स्वीकार कर
उनकी लीलाओं का गान बड़ी तन्मयता और सरसता के साथ किया है। इनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा रही है, जिसे इन्होंने क्षेत्रीय बोली से उठाकर साहित्य के उच्च सिंहासन पर आसीन कर दिया। कवि परिचय याद कर लीजिएगा बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कवि के बारे में आप लोगों को जो है उनकी रचना क्या है, कितने जो है कौन से धारा, भक्तिकाल, सगुण धारा के, निर्गुण धारा के कवि हैं, ये सब आप लोगों को याद करना है, ठीक है। कवि परिचय एग्जाम में पूछा जाता है। मीराबाई मध्यकालीन हिंदी काव्य में मीराबाई का अनुपम स्थान है। बचपन से ही उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य देव बना लिया था। लौकिक जीवन के अनुसार उनका विवाह भी हुआ था, किंतु उनका मन इन सांसारिक बातों में नहीं लगा। मीरा के पदों में प्रेम भक्ति की गहरी अनुभूति, तल्लीनता एवं संगीतमय गीयता मिलती हैं। मीरा की भाषा में राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण मिलता है। उनकी भक्ति साधना ने भारतीय संगीत को काव्य की गरिमा प्रदान की है और काव्य को संगीत का माधुर्य। मीरा के पदों के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें मीरा की पदावली, राम गोविंद आदि प्रमुख हैं, इनकी रचना है। ओके, तो ये तो रहा कवि परिचय, इसको याद कर लीजिएगा। और चैप्टर में किसी प्रकार से कुछ भी किसी को समझ में नहीं आया हो, है ना, कुछ डाउट हो, तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।